हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्टिवा का कौन सेट किस तरीके से चेंज करते हैं। हाँ दोस्तों, ये कौन सेट है और ये देखिए दोस्तों, 236 रुपये का कौन सेट है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है, किस तरीके से चेंज करते हैं, ये सब आज की वीडियो में बताऊँगा। और क्या दिक्कत आती तो ये चेंज करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में बताएँगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक्टिवा है और ये टॉप हमने खोल रखा है और इसका कौन सेट, इसमें कौन सेट होता है और कौन सेट किस तरीके से होता है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कैसा कौन सेट होता है। ये देखिए दोस्तों, ये कौन सेट होता है और ये छर्रा अर्रा इसमें लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इसमें छर्रे लगे होते हैं और मैं आपको और खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कौन सेट होता है और ये देखिए दोस्तों, ये इसके छर्रे, ये कौन सेट है और ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये एक नट आता है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं हम इसे चेंज क्यों करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, कभी भी हम हैंडल गाड़ी चलाते हैं तो हैंडल हमारा टाइट चलता है और गड्ढे में जाते हैं खट खट आवाज़ करती है, इस वजह से हमको कौन सेट चेंज करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं इसको किस तरीके से चेंज करते हैं और क्या क्या खोलना पड़ता है, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी ब्रेक खोल लेंगे, ये दोनों ब्रेक की तारें होती है, ये दोनों खोल लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और क्या खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये केबल हमने खोल ली है और इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज़ का, आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी ऊपर वाली केबल है ये ऊपर ही लगाइएगा और नीचे वाली केबल है इसको नीचे लगाइएगा। अगर आप इसको ऊपर वाली को नीचे लगा देंगे तो आपकी कॉम्बो ब्रेक काम नहीं करेगी और पहिया टायर चलेगा, ठीक है दोस्तों। तब दोस्तों हम लोग क्या खोल लेते हैं, अब हम लोग ये वाला नट खोल लेते हैं, ये 17 नंबर पाने से खुलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम खोल लेते हैं दोस्तों, ये 17 नंबर पाना है और इसे हम लगा करके इसे हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा खुल गया है नट और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये 17 नंबर नट होता है और इसके पीछे एक ये वासर लगी होती है इस तरीके की। और ये हम खुला दिखा देते हैं आपको, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे लगा होता है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इस तरीके का नट लगा होता है, उसमें वासर लगी होती है, इतना आइटम लगा होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम निकालेंगे, तो दोस्तों इसको निकालने से पहले ये हम जो अब मीटर की केबल है ये अलग कर लेंगे और ये दोनों तार हमने पहले से अलग कर रखी है, तो इसलिए हम अलग कर लेते हैं। ये हम निकाल लिए, अब हमको क्या करना है, इस तरीके से खींच करके इसको हम निकाल देंगे। दिख रहा। तो दोस्तों इसको हम खोल के निकाल देंगे, अब इसकी हम ये चूड़ी साफ कर देंगे ताकि ये अच्छे से ये वाला नट खुल जाए और ये वाला भी नट हम खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 22-30-32 के पाने से इसको खोल लीजिएगा, इसे हम खोल लेंगे और तो खोलने के बाद इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। निकाल लिया, इसको रख देते हैं और इसे भी हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों ये खुल गया है और दोस्तों इसमें ये ख़राब हो जाता है, इसके छर्रे जो हैं ये कट जाते हैं और इसमें निशान पड़ जाता है, ठीक है। और इसको हमने खोल लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हमने खोल लिया है, अब इसका ये हम कौन सेट खोलेंगे, ये कौन सेट लगा होता है, ये देखिए दोस्तों ये कौन सेट लगा होगा, इसे हम खोल लेंगे। पहले इसको पूरा हम साफ कर लेते हैं। तो
इसको इस तरह की रॉड ले लीजिएगा इतनी लंबी। तो दोस्तों देखिए नीचे वाला कॉन्सर्ट निकल गया है, अब हम ऊपर वाला कॉन्सर्ट निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से फंसा करके हम कॉन्सर्ट निकालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर वाला भी कॉन्सर्ट हमने निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की राड से और हथौड़े से आप निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम इसको फिट करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये नया वाला कॉन्सर्ट है, और इसको किस तरीके से फिट करते हैं ये मैं आपको दिखा दूँगा। तो देखिए दोस्तों इसमें चार कॉन्सर्ट है, और ये वाला हमारा ऊपर साइड लगेगा, उसमें हैंडल में लगेगा, और ये वाला नीचे साइड लगेगा, और ये ऊपर साइड लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, और इसको लगाने के बाद इसे हल्का हल्का थोड़े से हम ठोक देंगे बराबर से। इस तरीके से हम हल्का हल्का थोड़े से ठोक देंगे। तो दोस्तों इसको हमने हथौड़ी से आराम से बैठा दिया है, और ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल चपक के बैठेगा, बिल्कुल जिस तरीके से ये मैंने बैठाला हुआ है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से यहाँ साइड से देख लीजिएगा, और इस तरीके से बैठा देंगे। अब हम नीचे वाला बैठा लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये नीचे वाला है, और इसको हम ग्रीस किनारे किनारे लगा देंगे, और ग्रीस लगाने के बाद इसको हम बैठा लेंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बैठा लेते हैं, देखिए दोस्तों हमने इतना बैठा दिया है कि अभी पूरा फिटिंग नहीं होगा। ये बिल्कुल जहाँ ये दिख रहा है ये कॉलर, यहाँ तक हमको लगाना है। ठीक दोस्तों, तो इसके ऊपर हम एक और कोन लगा करके इसको हम ठोकेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की ये कोन, पुराना वाला कोन ले लीजिएगा, और इसको इस तरीके से लगा लीजिएगा। लगाने के बाद इसे हम ठोक देंगे आराम आराम से, बराबर बराबर ठोकिएगा। तो दोस्तों इसको हमने बैठा दिया है, और जो दूसरा वाला कोन था इसको हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम ऊपर से निकाल देंगे। तो दोस्तों ये भी फाइनली लग चुका है, और अब हम इसकी रॉड का भी कोन सेट बदलेंगे। तो दोस्तों ये वाला भी कोन सेट हम बदलेंगे, और इसे भी हम इसी तरीके से ये छेनी के मदद से इसको निकालेंगे। तो दोस्तों ये भी हमने रॉड निकाल दिया है, ये हथौड़ी की मदद से, ये छेनी की मदद से इसको यहाँ पर से फंसा करके इसको हमने निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको बाहर हमने निकाल लेंगे, और जो नया वाला है वो इसमें फिट करेंगे। इसे हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिट करेंगे। तो दोस्तों ये पुराना वाला कॉन्सेट हमने हटा दिया है, और ये नया वाला कॉन्सेट लगा दिया है। दोस्तों ध्यान रहे ये जिस तरीके से ये कॉलर बनी हुई है, ये नई कॉलर ऊपर साइड आएगी, और ये कॉलर जो होगी ये नीचे साइड आएगी। ठीक है दोस्तों, और अब ये रबड़ हम लगा देते हैं, यहाँ पे लगेगी, और यहाँ से देख लीजिएगा ये बिल्कुल नीचे फिटिंग बैठे बिल्कुल। और इसे हम पैकिंग को हम लगा देंगे इस तरीके से, इसको हम लगा देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम बराबर उसको लगा देंगे, और इसमें अब छर्रे लगाएंगे। तो मोटे वाले छर्रे दोस्तों ऊपर नीचे साइड रहेंगे, और छोटे वाले जो होते हैं वो ऊपर साइड रहेंगे। तो किस तरीके से छर्रे लगाएंगे ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के छर्रे होते हैं, और इसमें हम छोटे वाले अलग कर लेंगे और बड़े वाले अलग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमने छर्रे निकाल लिए हैं, अब हम छोटे वाले अलग कर लेंगे और बड़े वाले छर्रे अलग कर लेंगे। तो ये बड़े वाले छर्रे हैं, और वो बड़े वाले छर्रे हम इधर लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके की एक ग्रीस ले लीजिएगा, इस तरीके से लगा लेंगे, और इसको एक एक करके छर्रा सारे हम सेट कर देंगे। तो इसमें भी हम ग्रीस लगा लेंगे ताकि छर्रे नीचे ना गिरे। बराबर बराबर इस तरीके से छर्रे लगा लेंगे, और लगाने के बाद हम इसमें ग्रीस लगा देंगे।
इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके के हम छर्रे लगा लेंगे और मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें ये पूरे कोन में हल्की सी प्ले रहनी चाहिए और प्ले कम करने के लिए हमने एक छर्रा निकाल दिया। अगर जितने छर्रे निकले हैं और पूरे छर्रे आप लगा देंगे तो आपका हैंडल टाइट चलेगा। तो दोस्तों इसमें से एक छर्रा हमने कम कर दिया ताकि आपका हैंडल फ्री चले। ठीक है दोस्तों, तो हमने पूरा फिट कर दिया है। अब ये कैंची हम फिट करेंगे और कैंची फिट करने के बाद इसको हम लगा देंगे, ये हम लगा देंगे। तो इसमें ग्रीस लगा लेते हैं फिर हम कैंची फिट करते हैं। तो दोस्तों इसको हमने इस तरीके से ये गाड़ी झुका करके हमने ये फिट कर दिया है और फिट करने के बाद इसको हम ये केबिल यहाँ से निकाल लेंगे। जितने केबिलें हैं दोनों कॉम्बो ब्रेक की केबिल निकाल लेंगे और एक मीटर वाली केबिल होती है वो भी हम इससे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों इसको हमने निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरीके से हम इसको ऊपर कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे और ये वाला नट और इसको हम टाइट कर देंगे। तो ये पूरा नट हम टाइट कर लेंगे उसके बाद ये वाला नट हम लगा देंगे। तो दोस्तों ये चक नट होता है, इस तरीके से हम चढ़ा देंगे। तो दोस्तों इसको 30-32 स्प्रिंग से टाइट कर लीजिएगा और इस तरीके से इलाज रखिएगा, बिल्कुल फ्री घूमे जैसा कि ये घूम रहा है। और उसके बाद हम ये टापा लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ पे इसे फिट कर देंगे और उसके बाद हम ये लगा देंगे जिस तरीके से निकाला था। तो ये इधर साइड से निकाला था और इधर साइड से हम इसको लगा देंगे, इस तरीके से लगा देंगे। तो दोस्तों इसको ऊपर नीचे करके लगा लीजिएगा और ये बिल्कुल खांचे में फंस जाएगा जिस तरीके से हमने फंसाया हुआ। और उसके बाद ये भी हम टाइट कर लेंगे इसको भी और इसको 17 नंबर पानी से हम टाइट करेंगे जिस तरीके से हमने खोला था। तो दोस्तों ये इसकी कैंची के छर्रे पड़ चुके हैं और पूरी कंप्लीट हो गई है। इसको हमने बांध दिया है, पूरा टापा पर सब बांध दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ हमको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से खोलना पड़ेगा, क्या दिक्कत आती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपकी गाड़ी में भी इस तरीके की दिक्कत आती है, हैंडल मोड़ने में टाइट चलता है या गाड़ी चलाने में हैंडल टाइट चलता है, मोड़ने में टाइट चलता है और हैंडल जो भी हैंडल की दिक्कत आती है, खटखट की आवाज़ आती है, ये सारी दिक्कतें एक्टिवा की सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके का कौन सेट, अगर आप कौन सेट डाल देंगे तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आप जान चुके हैं कि कौन सेट किस तरीके से डालना है और मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये ब्रेक खोल लेनी है और इसका मीटर वाला वायर खोल लेना है और ये आगे का टापा खोल लेना है और इसके अंदर एक 17 नंबर बोल्ट लगता है इधर से, वो खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।